बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेदर न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो कराची वाले प्यारे साथियों, मौसम के हवाले से अहम और ताज़ा तरीन अपडेट इस वीडियो में शेयर करते चलें कि आज जुमे के दिन भी खैर कराची समेत सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जुमे के दिन भी शेर कायद समेत बदीन ठट्ठा जेर सिंध और इनके शुमाली और मगरबी और सेंट्रल इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ भी शेर कायद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचाई। तूफ़ानी बारिशों के दौरान घरों के छतें, दरख्त और खम्भे उखड़ गए और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और अब अर्बन फ्लडिंग का खतरा बना। आज भी कराची शहर वाले बहुत परेशान हैं कि आज कराची शहर में बारिशें कैसी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिशें कहां कहां होगी और किन किन इलाकों में होगी। तो दोस्तों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, बराए मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो बारिशें होगी, शहर कायद समेत बदीन ठट्ठा और थरपारकर के इलाके, जेरे सिंध के तमाम तर इलाके और मगरबी सिंध समेत शुमाली और सेंट्रल इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। चंद इलाकों में हल्की से दरमियान दर्जे की बारिश हो सकती है। हवा का कम दबाव गुज़श्ता रोज़ समुद्री तूफान में कन्वर्ट हुआ। समुद्री तूफान से कन्वर्ट होने के बाद शहर कायद समेत सिंध के जुनूबी इलाकों में अच्छी खासी बारिशें दी, साथ ही सिंध के मगरबी इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिशें दी। इस वक्त जो आप स्क्रीन पे हवा का कम दबाव देख रहे हैं, ये जो साइक्लोन समुद्री तूफान आगे बढ़कर जब तुर्बत में पहुंचेगा तो इसकी शिद्दत में कमी आएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जुमे के दिन भी शहर कायद समेत सुबह सिंध के ज़्यादातर इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं शदीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बारिशों के दौरान तेज़ हवाएं लगने का इम्कान है। हवाओं के दौरान घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि खंभे उखड़ सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, बारिशों के हवाले से मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट जारी रखेंगे, तब तक के लिए इतना शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।